फेस्टिवल्स में लगाने के लिए कुछ बढ़िया परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम बजट में कुछ बढ़िया परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप फेस्टिवल्स में लगा सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो त्यौहार होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, खाने पीने का बहुत सामान होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे परफ्यूम्स को लगाना चाहिए जो हमारे प्रेजेंस को नोटिस कराएं। तो प्रोजेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ ऐसे ही परफ्यूम्स के बारे में आज हम बात करेंगे और मैंने कोशिश की है कि पूरे 12 महीने आपको गर्मी और ठंडी के मौसम में जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें ऑप्शंस मिल जाए लगाने के लिए परफ्यूम्स का। जो भी परफ्यूम्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे perfumegyan.com, आप चाहें तो उनकी पूरी बॉटल या डी कैन कंसिडर कर सकते हैं। अगर फेस्टिवल 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके पूरी बॉटल पे। अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा है तो बेशक मुझे कमेंट बताएं आपका सबसे पसंदीदा ऐसा कौन सा परफ्यूम है जिनको इस फेस्टिवल्स पे आप लगाना चाहते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे वीडियो देखने के बाद, ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से स्पेक्टर ओशियाना। इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी बहुत खूबसूरत महक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से वनीला का इस्तेमाल है, उसमें ब्लेंड किया गया है ऊद को, थोड़े स्पाइसेस लगते हैं और एम्बरी खुशबू है। क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। शुरुआत में ऐसा लगता है वनीला की खुशबू है लेकिन उसमें थोड़ा सा बर्न्ड रबर वाली महक आती है और बेस में जिस तरीके से ऊद का इस्तेमाल किया गया है लेकिन स्कैंकी नहीं है, बदबू नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट सी खुशबू लगती है, मैस्कुलिन सी महक है। वैसे ये क्लोन है बुल्गारी के लचे में ओराउन का और अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। मैंने साइड बाय साइड इसको कंपेयर किया है, मैं कहूँगा कि काफ़ी क्वालिटी हवा में जिस तरीके से इसकी महक घुलती है सिमिलर लगती है। और अच्छी बात यह है कि देखिए, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। इसको कैरी करना आसान है, इवन तो इसमें ऊद का इस्तेमाल है, सिंथेटिक लगता है, सभी नोट जैसे ब्लेंड किए गए हैं। मुझे लगता है कि क्वालिटी सही है। शुरुआत में थोड़ा सा स्पिरिट वाली महक, थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट आता है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन सेटल डाउन बहुत अच्छे से होता है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है इससे मुझे, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है दिवाली के लिए, ईद पे, क्रिसमस पे लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके कभी भी जब थोड़ी ठंडक हो हवा में तो इसको लगा सकते हैं। इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको इसको पसंद करने के लिए वनीला की खुशबू और थोड़ा सा ऊद बेस परफ्यूम पसंद आने चाहिए, लेकिन ये है कि जिस तरीके से ये पाउडरी होता है इसको कैरी करना आसान है। तो ये है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से सेप्टर ओशियाना। नंबर 9 पे है नसीम की तरफ से ऑरा। इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, वैसे ये एक वाटर बेस परफ्यूम है, बड़ी अच्छी इसकी मुझे महक लगती है, फ्रेश ओजोनिक, थोड़ी स्पाइसी फ्लोरल और मॉसी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया गया है, उसको ब्लेंड किया गया है सिट्रसी नोट के साथ और इसमें जैस्मिन चमेली की खुशबू है, इसमें सैफ्रॉन की भी महक आती है, थोड़ा मिडिल ईस्टर्न लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गर्म मौसम में इसको कैरी किया जा सकता है। होली के लिए, रक्षाबंधन के लिए एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन बन सकता है क्योंकि थोड़ी देसी खुशबू है, थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न जिस तरीके से इसमें बेस में ऐसा लगता है कि सिंथेटिक ऊद का इस्तेमाल है लेकिन वो बहुत ओवरपावरिंग नहीं है, स्टिल एक फ्लोरल फ्रेश खुशबू है और वुडी एलिमेंट इसमें बेस में आता है। परफॉर्मेंस इससे सही मिल जाती है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 घंटे तक ये मुझे लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है। स्किन और कपड़ों पे अगर आप स्प्रे कर लेंगे तो जो इससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो आपको हासिल हो सकती है। किसी कमरे में अगर शुरुआत के 2 घंटे में आप एंटर करेंगे लगाने के बाद तो आपके प्रेजेंस को नोटिस किया जाएगा। ये 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500-1600 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। अभी तो हमारे स्टोर में अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ये स्टॉक में आना चाहिए, मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। बस ये है कि थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न टच के साथ अगर आप एक फ्रेश ओजोनिक खुशबू वाला को चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है नसीम का ऑरा। नंबर 8 पे है लताफा की तरफ से बाले आलूद ऑनर एंड ग्लोरी। इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक क्रीमी फ्रूटी स्वीट मस्की और एम्बरी खुशबू है,
बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा फ्रूटी नोट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये कहते हैं क्रैम्ब्रोले नोट का इस्तेमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें वनीला की खुशबू महसूस होती है और शुरुआत में मैंगो जैसे नोट की इस्तेमाल लगता है मुझे। वैसे ये कहते हैं पाइनएप्पल है, हो सकता है जिस तरीके से वो थोड़े स्पाइसेस के साथ मिल रहा है, सिनेमन सैंडलवुड, उसके वजह से क्रीमी एलिमेंट है और फ्रूटी खुशबू है। स्वीटनेस इसमें काफ़ी है और थोड़ा सा इसमें बर्न शुगर वाली महक लगती है शुरुआत में, क्योंकि क्रैम्ब्रोले जिस तरीके से बनाया जाता है उसमें भी ऊपर शुगर को बर्न किया जाता है तो वो इसमें महसूस होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी मुझे लगती है, परफॉर्मेंस भी इसे सही मिल जाती है, लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है और कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 घंटे तक ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए इसकी प्रोजेक्शन थोड़ी सटल है, अगर कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो कुछ देर तक रहती है और अगर मूव करेंगे तो इसका सियाज महसूस होता है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है हल्की ठंडक के लिए, तो मुझे लगता है दिवाली और क्रिसमस के लिए बढ़िया हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कैरमल वाली खुशबू लगती है, थोड़ा सा बर्न्ड एलिमेंट भी लगता है तो थोड़ा सेडक्टिव लगता है, तो इसको डेट पे भी लगा सकते हैं इवनिंग टाइम में, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये समझे कि आपको मीठी खुशबू फ्रूटी खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। यूनिसेक्स खुशबू है तो इसको कोई भी कैरी कर सकता है, मुझे लगता है थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे ज़्यादा लीन करता है लेकिन इसको फीमेल भी कैरी कर सकती हैं। तो ये है लताफा की तरफ से बाले आलूद ऑनर एंड ग्लोरी। नंबर 7 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन, इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश स्पाइसी वुडी अक्वाटिक एरोमेटिक ग्रीन खुशबू है, इसमें ऐसा लगता है कि ताज़ी कटी हुई घास वाली महक है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें वेटवर का इस्तेमाल किया गया है। टॉप नोट में ग्रीन नोट का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट इसमें जिंजर के नोट की वजह से मिलता है और भी थोड़ा सा वुडी नोट का बेस में इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये क्लोन है ये जो कैरोलिना हेरेरा का 212 NYC मेन परफ्यूम आता है इसका, और मैं कहूँगा बढ़िया क्लोन है, ये थोड़ा और फ्रेश साइड पे है। मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा बबलगमी स्वीटनेस है लेकिन स्टिल ग्रीन फ्रेश अक्वाटिक खुशबू है। मुझे लगता है गर्म मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके अगर आप होली और रक्षाबंधन और ईद में कुछ लगाना चाहते हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। डिफरेंट सी खुशबू है, ऐसा नहीं है जो मास प्लीजिंग शावर जेल वाली खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं, वैसा नहीं है, एक अलहदा महक है। तो यूनिकनेस के साथ अगर इसको लगाएंगे तो शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है तो आपके प्रेजेंस को नोटिस करा सकता है और तारीफ़ें भी मिला सकते, कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या लगाया है क्योंकि एक डिफरेंट सी महक लगती है। स्किन पे लगभग 4 से 5 घंटे मुझे महसूस होता है, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और ऐसा लगता है कि अगर इवनिंग टाइम में भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, गर्मी के मौसम में सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। बस ये है इसको इन्जॉय करने के लिए आपको ग्रीन थोड़ी सी हर्बल खुशबू पसंद आनी चाहिए जिसमें आपका थोड़े स्पाइसेस भी मिले हुए हों, लेकिन पर्सनली इसको लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। नंबर 6 पे है अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से अल्दिरम लिमिटेड एडिशन, इसका ऑथे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश सिट्रसी बबल गमी फ्लोरल खुशबू है और इसमें वुडी एलिमेंट भी लगता है, ग्रीन एलिमेंट भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये कहते हैं लेमन ग्रास का इस्तेमाल है, इसमें रोज़ का इस्तेमाल लगता है, लिली का इस्तेमाल लगता है, जैस्मिन का इस्तेमाल लगता है, एक स्ट्रॉन्ग सी महक है, बबल गमी भी इसमें एलिमेंट आती है ऐसा लगता है, एल्डिहाइड का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है और थोड़े से स्पाइसेस हैं। देखिए इसको गर्म मौसम में आप लगा सकते हैं लेकिन इसका जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है, स्वीटनेस भी इसमें है तो उस हिसाब से आपको फ्लोरल स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए। मुझे इसको लगाना काफ़ी अच्छा लगता है, इससे परफॉर्मेंस भी सही मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है होली में लगाने के लिए और किसी भी गर्म मौसम के फेस्टिवल में लगाने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको शुरुआत में जिस तरीके से सभी नोट्स हैं थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है और स्ट्रॉन्ग खुशबू भी लगती है तो सेंसिटिव है तो थोड़ा दूर इसको स्प्रे करें। अच्छी बात यह है कि 100 ml की बॉटल और इसके डिब्बे में आपको एक 20 ml का ट्रैवल स्प्रे भी मिल जाता है तो इसी दाम में आपको 120 ml मिल रहा है, मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन है, हमारे स्टोर में अवेलेबल है, चाहे तो आप डीकैन या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से अल्दिरम लिमिटेड एडिशन।
नंबर पांच पे है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से ग्लेशियर लनुआर। इसका और परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वार्म स्पाइसी वनीला बेस पाउडरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम इलायची के नोट को ब्लेंड किया गया है वनीला के खुशबू के साथ। लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें आयरिस का इस्तेमाल है, तो मुश्किल से 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है और इसमें मस्की खुशबू भी महसूस होती है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जॉन पॉल कोटियर का लमाल लपाफूम आता है इसका क्लोन है और मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, क्योंकि हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है सिमिलर लगती है। कहना मुश्किल होगा कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्की ठंडक के लिए अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसमें थोड़ा सा सेडक्टिव एलिमेंट हो, कार्डमम इलायची की खुशबू आती हो, आयरिस का पाउडरी एलिमेंट हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। इंडोर्स में प्रोजेक्ट बेहतर करता है, लगभग 2-3 घंटे तक मुझे लगता है कि अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। हल्की ठंडक में बल्कि बेहतर ये परफॉर्म करता है, मुझे ऐसा लगता है, और अच्छी खुशबू है। कोई पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। ये दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसको इवनिंग टाइम डेट पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्डमम का इस्तेमाल है थोड़ा सा इसमें सेडक्टिव एलिमेंट भी महसूस कराता है। मुझे ऐसा लगता है बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। ये है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से ग्लेशियर लनुआर। नंबर 4 पे है अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से मिथिकल। इसका और परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। ये मुझे एक अंडररेटेड परफ्यूम लगता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। ये एक ओरिएंटल स्पाइसी एम्बरी रोज़ बेस खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एम्बर के नोट को ब्लेंड किया गया है फ्लोरल खुशबू के साथ, जिसमें गुलाब की खुशबू महसूस होती है और इसमें ऐसा लगता है कि सैंडलवुड चंदन की खुशबू का इस्तेमाल है। बेस में पचुली इस्तेमाल लगता है और मुश्किल से ये 15-20 मिनट बाद वुडी होने लगता है, थोड़ा ड्राई होने लगती है इसकी खुशबू। लेकिन ओरिएंटल कहूँगा, थोड़ा मिडिल ईस्टर्न टच है इसमें, जिस तरीके से गुलाब के खुशबू का इसमें इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिलती है, लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ठंडे मौसम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके ईद पे लगाने के लिए, दिवाली दुर्गा पूजा पे लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि थोड़ा फेस्टिव है, थोड़ा देसी इसकी खुशबू लगती है। और पूजा पे खास करके अगर किसी आप फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तब भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये है, इसको इन्जॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा ओरिएंटल मिडिल ईस्टर्न खुशबू पसंद आनी चाहिए। क्वालिटी बढ़िया है, सिंथेटिक नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत हार्श भी नहीं लगता है। देखिए शुरुआत में थोड़ा स्ट्रांग खुशबू है, लेकिन वो इसकी बनावट का पार्ट है, क्योंकि थोड़ा ओरिएंटल है तो उस हिसाब से इसकी महक महसूस होती है। मुझे लगता है अंडररेटेड है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताएं आपको ये कैसा लगता है। तो ये है अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से मिथिकल। नंबर 3 पे है रू ब्रोका की तरफ से थ्यूरम। इसका और परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश सिट्रसी थोड़ी वुडी स्पाइसी एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में ऐसा लगता है ग्रेप फ्रूट के नोट का इस्तेमाल, थोड़ा सा लेमनी भी लगता है, उसके साथ एम्बरी खुशबू को ब्लेंड किया गया है, थोड़े स्पाइसेस भी लगते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें वुडी एलिमेंट है और सैंडलवुड का इस्तेमाल मुझे लगता है फॉर सम रीज़न, लेकिन फ्रेश है काफ़ी। इसमें सिट्रसी और संतरे वाली महक लगती है शुरुआत में, खासकर ग्रेप फ्रूट वाली महक। मुझे लगता है गर्म मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस भी सही मिल जाती है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी प्रोजेक्शन सही है, अगर इंडोर्स में इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा देर तक ये महसूस कराएगा। वैसे ये क्लोन है बुल्गारी का, जो टाइगर परफ्यूम आता है काफ़ी महंगा, ये उसका क्लोन है और हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू खुलती है काफ़ी सिमिलर लगती है। बस ये कहूँगा ये थोड़ा और फ्रेश है, ये शार्प सिट्रसी इसमें खुशबू ज़्यादा महसूस होती है। टाइगर की बात करूँ तो उसमें एम्बरी एलिमेंट और जो जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है उसकी क्वालिटी बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। होली, रक्षाबंधन,
रंग मकर संक्रांति बकरीद पे लगाने के लिए ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इवनिंग टाइम में भी इसको आप सिग्नेचर इसमें बना सकते हैं। शुरुआत के 2-3 घंटे तक लोगों को पता चलता है, तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो ये है रू ब्रोका की तरफ से थ्यूरम। नंबर 2 पे है रसासी की तरफ से ब्रिलियंट ब्रॉन्स। इसका औधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वॉर्म स्पाइसी वुडी लेदर बेस खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम के नोट को ब्लेंड किया गया है लेदर के खुशबू के साथ। थोड़ा एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल लगता है, ऊद का भी इस्तेमाल लगता है, लेकिन स्कैंकी नहीं है, बहुत सिंथेटिक नहीं है। बेस में सटल खुशबू लगती है, शुरुआत में थोड़ी फ्रेशनेस भी है, लेकिन कार्डमम इलायची की खुशबू को ब्लेंड किया गया है और भी थोड़े स्पाइसी नोट के साथ। वैसे अगर इलायची की बात हो रही है तो मैं इसको भी मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो लताफा का कायद आता है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी कार्डमम के नोट को सैफ्रॉन आपके केसर के नोट के साथ ब्लेंड किया गया। इसमें भी वुडी थोड़ा सा नोट लगता है, पचुली का भी इस्तेमाल लगता है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है इसकी। अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है ठंडे मौसम में अगर एक मर्दाना खुशबू वाला आप कुछ चाहते हैं जिसमें लेदर का इस्तेमाल हो, लेकिन क्लीन लेदर, स्कैंकी एलिमेंट नहीं है, बदबू नहीं है, बहुत ही प्लीजिंग सी खुशबू लगती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग खुशबू है और शुरुआत में एक शार्पनेस भी है। मुझे लगता है दिवाली क्रिसमस पे लगाने के लिए, ईद पे भी लगा सकते हैं, इवनिंग टाइम में बढ़िया परफ्यूम बन सकता है। अलग सी खुशबू लगती है जो मार्केट में बहुत से परफ्यूम में वैसी नहीं है। मुझे लगता है रसासी ने यहाँ पे कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इवनिंग टाइम में लगाने के लिए अगर थोड़ी ठंडक है तो इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं और परफॉर्म भी बेहतर करता है। तब इसका जो ड्राई डाउन है वुडी होता है और मस्की होता है ड्राई डाउन में, पचुली और प्रोमिनेंट हो जाता है, वो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से महसूस होगा। तो ये है रसासी की तरफ से ब्रिलियंट ब्रॉन्स। नंबर 1 पे है पेरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट की तरफ से मिलानो प्रीवे। इसका औधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वुडी स्पाइसी पचुली बेस खुशबू लगती है। इसमें टबैको का भी इस्तेमाल किया गया है, शुरुआत में ऐसा लगता है सिट्रसी संतरे वाली महक है, उसको ब्लेंड किया गया है सिनेमन के साथ, दालचीनी के खुशबू के साथ, थोड़ा बूजी एलिमेंट भी इसमें महसूस होता है और सिनेमन की स्वीटनेस है। बेस में ऐसा लगता है पचुली का इस्तेमाल है, टबैको का इस्तेमाल है और बहुत ही खूबसूरत मैस्कुलिन महक लगती है। वैसे ये क्लोन है ये जो पाको रबान का 1 million प्रीवे आता है इसका, मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ये थोड़ा डेंस लगता है, अगर इसकी बात करूँ तो ये फ्रेश साइड पे थोड़ा ज़्यादा है, सिट्रसी ज़्यादा है, लेकिन बढ़िया लगता है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है वो बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए अच्छी बात ये है कि डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आपको मार्केट में एक डिसकंटिन्यू परफ्यूम का क्लोन मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है इसको लेयर करना मुझे पसंद है और ऐसे भी इसको इस्तेमाल करना हल्की ठंडक में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है दिवाली ईद दशहरा दुर्गा पूजा और क्रिसमस के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मैंने इस साल वैसे इसको सोचा है कि क्रिसमस पे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो सिनेमन है और जो बूजी एलिमेंट है वो मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। वैसे अगर इसको इंडोर्स में आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा देर तक किसी को पता चलेगा। इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ठंडे मौसम में आप इसको डेट पे भी कंसिडर कर सकते हैं। बस ये है कि जो टबैको की खुशबू है और जो स्वीटनेस है वो आपको पसंद आनी चाहिए। तो ये है पेंडोरा सेंट की तरफ से मिलानो प्रीवे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। अगर आपको और भी फेस्टिवल के लिए ऑप्शन चाहिए तो आप मेरे पिछले साल वाली भी लिस्टिकल को देख सकते हैं जो फेस्टिवल पे ही मैंने बनाई थी, तो आपको और ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे कलेक्शन में जितने परफ्यूम होते हैं मैं उन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई स्पॉन्सर्ड या पेड वीडियो नहीं करता हूँ। तो अगर कोई परफ्यूम उसे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। और ये भी है कि जितने भी परफ्यूम्स हमारे perfumegyan.com वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो इनकी पूरी बॉटल या डीकैन कंसिडर कर सकते हैं। अगर फेस्टिवल 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का इनकी पूरी बॉटल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।